यार बहुत एक्साइटेड हैं ऑब्वियसली सर की फिल्म है और आयुष्मान है एंड वी ऑल आर टुगेदर एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. अभी तक कुछ दोस्तों ने देखी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सो जस्ट जाके इन्जॉय करें. नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया था कि फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए. बहुत अच्छा है फिल्म रिलीज़ हो रही है. हर चीज़ से हमें कुछ सीखना चाहिए, ना सिर्फ उसकी कमियां निकालते रहो हर चीज़ में. हर चीज़ में क्रिटिसिज्म मुझे लगता है अच्छा नहीं होता. हर चीज़ से कुछ अगर पॉजिटिव सीखें आई थिंक वो इम्पोर्टेंट. यार क्यों नहीं, मैं एक्चुअली मैंने अभी पूरी देखी नहीं है, मैं डेफिनेटली जाके देखना चाहता हूँ. बट जो टॉपिक है वो डेफिनेटली ऐसा है और अगर वो बात लोगों तक कन्वे हो, जितनी ज़्यादा कन्वे हो उतना ज़्यादा अच्छा. थैंक यू. थैंक यू. बारिश होने वाली है, जल्दी बोलो. अभी तो फिलहाल डाइजेस्ट चीज़ें नहीं हुई है कि ऐसा हो गया है कि इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है फिल्म को. तो अभी थोड़े दिन में शायद मुझे, जब पिक्चर थोड़ी सी और एक दो हफ्ते पुरानी हो जाएगी, तो मुझे शायद तब थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस होगी. बट फिलहाल तो आई एम वेरी हैप्पी. बदला से साल शुरू हुआ है, उसके बाद गेम ओवर. अब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है इस साल. जी, इस फिल्म को मैं काफ़ी समय से जानती हूँ, मुल्क से जानती हूँ इस फिल्म के बारे में. मतलब कहानी का आइडिया है मुझे, बिकॉज अनुभव सर से काफ़ी बात हुई है इस फिल्म के बारे में. तो इसलिए अब मैं देखना चाहती हूँ कि वो जो सब ने बातें करी थी वो स्क्रीन पर उतर के कैसे लगती है. वो तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे मेरी पिक्चरों में भी कह चुके हैं, तो मेरे को तो आदत हो गई है, मैं क्या बोलूँ इस बात में. मेरे लिए कोई नया नहीं है कॉमेंट. अरे आउटफिट छोड़ो, मेरे पिक्चर देखने दो यार, प्लीज़. थैंक यू. मुझे लगता है अनुभव सिन्हा सर ने एक बहुत कमाल की एक डिफरेंट इनिंग्स खेली है आफ्टर मुल्क. एंड ये उनकी दूसरी फिल्म है और हर जगह से बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं. बहुत कम लोग होते हैं जो रियल इश्यूज़ पर वही चीज़ कहते हैं जो कहनी चाहिए, बिना उन्हें छुपाए, बिना कुछ लेयर्स लगाए. एंड आई थिंक अनुभव सर डज दैट. और आई बीन लकी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला उनकी तीसरी फिल्म में. And looking forward to this one. I'm sure it's going to be an eye-opener for many and shock a lot of them. And I think it's something very relevant for today's society. So looking forward. जिस तरह के मेकर अनुभव सर, I think he says things the way they are. और बिना देखे फिल्म को मैं अभी तो कुछ नहीं कहना चाहती, बट मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ जैसे कहनी चाहिए उसे कर्ब करना चाहिए. वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड वी शुड से द थिंग्स द वे दे शुड बी सेड. जो फिल्में लोगों को दिखाई जानी चाहिए जो उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें डेफिनेटली टैक्स फ्री करना चाहिए. शुक्रिया. थैंक्स. बैठ दूंगा, मैं आता हूँ ना बाहर.
अनुभव की फिल्म है, अनुभव करनी चाहिए लोगों को। और ये फिल्म इतनी आसानी से अगर इस देश में बंद होने लगे तो फिर डेमोक्रेसी का क्या काम है इस देश में। मेरे हिसाब से तो हर फिल्म टैक्स फ्री हो जानी चाहिए। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, अनुभव बहुत पुराना दोस्त है हमारा, और दोस्त है हमारे बहुत पुराने और अजीज़ हैं, और अच्छी फिल्में बनाते हैं बहुत, तो इसलिए बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म बाहर आ रही है, और बहुत बहुत मुबारक हो उनको और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एक्साइटेड तो बहुत हूँ बिकॉज अंकिता की बुआ जो अंकिता के फूफा जी जो है मनोज जी एंड अंकिता ब्रदर जीशान वो दोनों इस फिल्म में हैं, एंड आई हैव हर्ड देव डन अ ब्रिलियंट जॉब। एंड जो मुद्दा इन्होंने उठाया है फिल्म में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, बिकॉज अब इतने सालों से भारत सो रहा है, अब जागने की ज़रूरत है यार। आई थिंक इन टॉपिकों को जब तक नहीं छेड़ा जाएगा, जब तक लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा, आई डोंट थिंक देश की हालत सुधर पाएगी। मुझे लगता है ये लोग ये वही लोग हैं जो लोग सुधरना नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि फिल्म रिलीज ना हो, बिकॉज आई थिंक ये फिल्में हैं जो आंखें खोलती हैं एंड जो गलत हो रहा है उससे दिखाती हैं। सो इससे हमें सीखना चाहिए, ना कि इसका अपोजिशन करना चाहिए। यार वो तो मैं पूरी फिल्म देखने के बाद ही बता पाऊंगा आपको, अब तो भाई ट्रेलर देखा है, बट आई थिंक इफ दिस फिल्म इज कैरिंग अ सोशल मैसेज देन डेफिनेटली शुड बी अ टैक्सी फिल्म। बस इंशाल्लाह इन्हीं फैंस की दुआ से, प्यार से, अगर इसी तरह वो लोग प्यार करते रहे तो जल्द ही शायद बड़े पर्दे पर भी दिखेंगे। थैंक यू, आएंगे बाद में, लाता हूँ। मुझे ट्रेलर बहुत ही ऐसे धमाकेदार लगा और बहुत ही इंटेंस और बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आई मीन आई एम श्योर वी गोना वॉच सो मेनी थिंग्स जो हमने पहले फिल्मों में नहीं देखी है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जो हमारे संविधान आर्टिकल 15 जो मेंशन है उसके ऊपर पूरा फिल्म है, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट अ रियलिस्टिक फिल्म। क्यों नहीं रिलीज़ करना चाहिए, बट मुझे तो लगता है कि अगर कोई भी फिल्म आप इतनी अच्छी बना रहे हो तो सारी फिल्में जितनी भी रिलीज़ डिजर्व करती हैं। थैंक यू सो मच। श्योर, जान कैसी लगी बारिश, इस गर्मी वाली बारिश कैसी लगी? बस वेल आर्टिकल 15 का प्रोमो हर गाने
कॉन्सेप्ट सब कुछ बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली जब जैसे ही ट्रेलर आता है तभी आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। तो आई थिंक ये आर्टिकल 15 का जैसे ही ट्रेलर आया तभी मन बन गया था कि हमें ये फिल्म देखनी है। देखिए जब सेंसर बोर्ड पास कर देता है तो आई थिंक वो पूरा एक टीम बैठी रहती है और वो डिसाइड करती है। जब वहाँ से पास हो गई है तो उसके बाद तो मुझे लगता है नहीं है कि किसी भी फिल्म को रोका जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो फिल्म हमारी समाज को कुछ सिखाता है और कुछ दर्शाता है तो डेफिनेटली ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए और फिल्म देखें, क्योंकि फिल्म हमारी कल्चर को दर्शाता है, बहुत कुछ सिखाता है। आई थिंक ये एक ऐसा मीडियम है जो बहुत कुछ सिखा सकता है और बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे रिवील, मुझे लगा कि आप बोल रहे हो बाल खोल के रिवील कर दो। नहीं, इसके लिए सरप्राइज है। थैंक यू। पता है ना कि कोई कौन सा सवाल नहीं पूछना, ये पता है ना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 देखने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे अनुभव सर ने फिल्म बनाई है। एक ऐसी हकीकत हमारे समाज की, हमारे देश की, जिसे हम अक्सर झुठलाना चाहते हैं, जिससे हम अक्सर अपना मुंह मोड़ना चाहते हैं। एंड आई एम रियली रियली ग्लैड दैट कमर्शियल मेनस्ट्रीम बॉलीवुड ऐसे मुद्दों पे कहानियां बना रहा है। किसी ने इस फिल्म के साथ ऐसा बोला? आई मीन देखिए, आई पर्सनली फील कि बैनिंग और ये जो होता है ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है और इसको ऐसी रैंडम डिमांड नहीं करते रहना चाहिए। हमारे देश में एक संस्था है, एक प्रणाली है, प्रोसीजर है जिसके तहत सेंसिटिव इश्यूज डिस्कस होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वो सेंसर बोर्ड है। और जो CBFC की कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी है, वो है। जो FCAT का पैनल है वो है। सो आई थिंक दीज आर डिस्कशंस दैट यू नो वो उन लोगों को ये निर्णय लेने चाहिए, ना ही मॉब्स को। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बॉलीवुड एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी आसानी से मिलती है। स्टार्स जो हैं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं, उनके चेहरे पहचाने जाते हैं। तो खुद विजिबिलिटी पाने का सबसे आसान तरीका है किसी एक सेलिब्रिटी या स्टार को अटैक करो और उनके दम पे और उनके नाम के दम पे फिर खुद भी आप अपने ग्रुप को थोड़ा ऐसे PR दे दो। तो वो हमने पिछले सालों में ये ट्रेंड काफ़ी देखा है, कई फिल्मों के साथ हुआ है।
And I think it's a very not a helpful trend. It's a harmful trend. And I think that Bollywood is a soft target. And I think that considering ki hum itna heavy entertainment tax dete hain, to hume kuch protection aur suvidhaen to milni hi chahiye. Aur kuch ho na ho. Yeah, can you just answer this and tell him I'm interacting in media and he should come here. Sorry. देखिए आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आप इस देश की एक बहुत छोटी माइनॉरिटी में से होंगे ज़्यादातर तो मुझे अपने थॉट्स के लिए काफ़ी सारी गालियाँ ही मिलती हैं बट आई थिंक दैट देखिए अगर आपके आपके पास करेज ऑफ कन्विक्शन हो और आपको अपने विचारों में विश्वास हो तो इट डजेंट मैटर लोग क्या कहेंगे आपको पता है कि आप सच और सही के साथ खड़े हैं Hello. Congratulations. Thank you. Gorgeous. Thank you. How are you? Congratulations. I love your sari. Thanks, sir. Yeah. Dekhi, heroine aap se samir. What's up? Sorry. How are we? Aap inka interview le lo ab. Very good. Nahi, abhi kai saalon tak mujhe politics mein ghusne ka koi plan nahi hai aur koi mansha nahi hai meri. Lekin lagta hai aap meri dukaan band karana chahte hain. Jaldi. Hello, how are you? Good to see you. Hi, of course. Very well. Hi, how are you? So, how are you? Hi guys, how's it going? Please, khatam karke aaye. Please. Thank you. Haan ji. यार टचवुड सबकी मेहनत जो है वो ऑलरेडी ट्रेलर से और कुछ तो रिव्यूज़ ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं किसी ने 4 स्टार दिए किसी ने 5 स्टार दिए हैं टचवुड और भैया की परफॉर्मेंस की टचवुड को फिर से तारीफ हो रही है यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पिछला साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होपिंग फॉर अनदर क्रैक ऑफ अ ईयर एंड आई थिंक ही हैज़ वर्क रियली 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 हार्ड टू डू व्हाट ही इज़ डूइंग टू अचीव व्हाट ही इज़ अचीव्ड एंड या फिंगर्स क्रॉस फॉर दिस वन इज़ वेल यार देखो अगर आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म करनी है उसके साथ कुछ ना कुछ तो विवाद जुड़ने की संभावना होती है उसको तभी आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं तभी उसको कहते हैं कि वो नॉर्मल फिल्म से अलग फिल्म है वो कुछ ऐसे मुद्दों को मुद्दों पे बात करती है जो अक्सर लोग जिसका परहेज करते हैं जो बात करना सो अगर किसी ने ये हिम्मत जुटाई है अगर किसी राइटर ने डायरेक्टर ने उसके ऊपर स्टोरी उसके ऊपर फिल्म बनाने की कोशिश की है किसी एक्टर ने उसमें एक्टिंग करने की कोशिश की है और ऐसी कहानी आपके सामने रखने की कोशिश की है आई थिंक इसका फ्लिप साइड ये है लोग कहते हैं कि यार अलग क्या है अगर कोई नॉर्मल फिल्म कर दें कोई तो यार अलग क्या किया फिल्म में अब अगर अलग करने जाएँ तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आई थिंक इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट फॉर द फिल्म बट हैविंग सेड दैट आई थिंक दे हैव सरपास्ड दैट स्टेज एंड रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू टच टू पीपल आर लाइकिंग द फिल्म एंड गॉड ब्लेस द फिल्म गॉड ब्लेस the filmmakers the everyone yaar kudiyani yaar kudiyani mera pehla single have composed it written it and sung it and yeah touchwood getting a lot of love from everyone around so yeah let's see few lines kudiyani mere dil vich vas ja kudiyani tere bin main nahi ho jachda kudiyani main tera deewana what's up prisu How's it going? एक और कुड़िया नहीं आ गई है साथ में कुड़िया नहीं से पहले कुड़िया नहीं से सवाल पूछो बहुत बहुत बढ़िया मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी फिल्म देखने के लिए आई वाज सो 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 एक्साइटेड कि आज रात ये करना है मतलब डिनर प्लान्स अलग बात है ये सब अलग बात है लेकिन पहले फिल्म देखते हैं टोटली कुड़िये नी, मेरे दिल विच बस जा। ने पहले ही सुन लिया था गाना रिलीज होने से पहले क्रिस्टल सुन चुकी थी तो या तो मैं या। जब उसने अपनी राय दी तो मैं क्रिस्टल क्लियर था इन द हेड कि ये ठीक है पारा का हाँ जी सुपर यार मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म हो कोई अच्छी फिल्म बने तो वो इन एनी केस लोगों के लिए ज़्यादा अप्रोचेबल होनी चाहिए
آف کورس کچھ کچھ چیزیں جو یو نو سوشل فرنٹ پہ زیادہ یو نو آپ کو اپیل کرتی ہیں آئی تھنک انڈیویجول گورنمنٹس اینڈ دا سینٹرل گورنمنٹ از ویل کین اف پاسبل کین گیو اے لاٹ آف ڈیبیٹ Exactly what he said. It is just much better like that. But I mean, the government knows best, and we can only hope for the best. Yeah. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Hey, we're all green. Hi. Hi. Hello. 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 نہیں مجھے ساری میرا فیوریٹ آؤٹ فٹ ہے تو میں نے سوچا اتنا ایکسائٹنگ فلم ہے آج بہت شبھ دن ہے اور یہ مجھے اچھا لگا پہننے کا من کیا تو پہن لیا کیا وواد ہے یار کوئی وواد نہیں ہے سچ میں ہاں پروٹیسٹ ہوئے مجھے تو نہیں پتا مجھے سچ میں نہیں پتا کسی نے بس بولا کہ ہاں کسی کے خلاف ہے پر خلاف ہے نہیں آپ فلم دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کسی کے بھی خلاف نہیں ہے بس ایک ہمارا ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کا ایک ریئل ریپرزنٹیشن ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈسکریمنیشن تو ہوتا ہی ہے ہر جگہ ہوتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں ڈسکریمنیٹ دوسرے لوگوں کو اور کاسٹ بیسڈ ڈسکریمنیشن تو عرصوں سے ہوتے آ رہے ہیں ابھی بھی ہو رہا ہے تو ہاں مطلب یہ کوئی الگ بات نہیں ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پر یہ فلم بہت ہی آنیسٹ ریئل ایک ریپرزنٹیشن ہے اور آپ فلم دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا اور ایکچولی انویسٹیگیٹیو ڈرامہ ہے تو انٹرٹیننگ بھی ہے بہت اچھے ایکٹرز ہے تو بہت اچھا لکھا گیا تھا اسکرپٹ سو یا اٹس شاٹ ریئلی بیوٹیفلی سو آئی تھنک ایز اے فلم اٹس اے ریئلی ہولسم فلم ایکچولی اتنے چیلنجز تھے نہیں آئی تھنک دی انٹینٹ واز ویری کریکٹ وچ واز ٹو پلے اٹ ایز اوتھینٹکلی ایز پاسبل اینڈ انوبھو سنہا ایسے ڈائریکٹر ہے وہ بہت ہی کلیئر ہے ان کو کیا چاہیے تو ویسے اگر ڈائریکٹر ملتا ہے اور جب اسکرپٹ بہت ہی اچھا اچھے سے ڈیٹیل میں لکھا جاتا ہے گورو سولنکی جو رائٹر ہے وہ بھی تھے سیٹ پہ اور اتنے اچھے ایکٹرس تو آئی تھنک اٹ وازنٹ سو ڈیفیکلٹ یو نو دا موسٹ چیلنجنگ پارٹ واز ایکچولی ٹو گیٹ دی ایکسنٹ رائٹ اینڈ تاکہ ادھر کا بھی نہیں ہو ادھر کا بھی نہیں ہو کریکٹ ہو اور سب کا ایکسنٹ مور اور لیس ملے تو آئی تھنک دیٹ واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ ٹیکس ہاں پلیز کر دیجیے ایکچولی ایسی فلمیں بہت سارے ڈائیلاگز ہے بہت ساری بات چیت ہے جو ایسے فلموں سے انیشیٹ ہوتی ہے اس کا شروعات ہوتا ہے ایسی فلموں سے اینڈ آئی تھنک دیٹس وائی مائی فرینڈ ہیئر از سیئنگ کہ اس فلم کو ایسے ٹیکس فری کر دینا چاہیے بہت بڑھیا ہوگا اگر کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بات ایسی بات کہتی ہے فلم جو شاید بہت لوگ کہنے سے کترائے اور یہ بہت ہی ایک بہت ہی بریو ایک انٹینشن سے بنائی گئی فلم ہے سو آئی تھنک اگر ہوتا ہے تو بہت بڑھیا ہوگا تھینک یو سو مچ پلیز کم واچ دا فلم ہاں میں ادھر جا رہی ہوں ایسے ہیلو
बाइक छोड़ गया आई थिंक टोटल स्टार कास्ट के साथ साथ डायरेक्टर सेंसिबल पिक्चर है तो आई थिंक समथिंग दैट आई एम बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू खास करके क्योंकि मैं अनुभव के साथ काम कर चुका हूँ सो आई नो हाउ गुड ही इज एट हिज वर्क एंड लुक्स लाइक अ वेरी वेरी गुड फिल्म बहुत अच्छी फिल्म लग रही है तो एक्साइटेड ईच वन इज ओन ओपिनियन मैं चाहता हूँ कि फिल्म देखूँ मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि वॉट इज द ट्रूथ बिहाइंड एवरीथिंग एंड इफ प्रोजेक्टेड राइट वाई नॉट या देखिए टैक्स फ्री क्या करनी होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए आई थिंक दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड बट एक अच्छी फिल्म को एक अच्छी रिलीज मिलना बहुत ज़रूरी है एंड ऑफ कोर्स मुद्दे अगर सही हो तो टैक्स फ्री ज़रूर होना चाहिए आई थिंक अगस्त एंड सितंबर की प्लानिंग है एक दो दिन में पता चल जाएगा सो लुकिंग फॉरवर्ड टू थैंक यू हाँ जी हाँ जी जो भी बोलना चाहे ठीक है ट्रेलर देख के सबसे पहले मुझे याद है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई मुझे मैं चाहती थी सबसे पहले सबको बताऊँ मैं ट्वीट किया फेसबुक पे डाला इंस्टाग्राम पे डाला क्योंकि स्पेशली डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अगर कोई भी बात करता है और ना ही जात और जेंडर और जितनी भी कास्ट है उसके अगेंस्ट भी नहीं इट टॉक्स अबाउट मेनी इश्यूज और हमारे आर्टिकल 15 में अगर देखा जाए तो कितने भी इवेंट्स होते हैं कितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं और कितने लोग क्या क्या कमेंट्स पास कर सकते हैं वर्बली बोलते हैं नहीं तो देयर आर डिस्क्रिमिनेशन यू समहाउ थिंक कि ये ऐसी चीज़ें हैं और हम जीने लगते हैं इन सब चीज़ों के साथ बिना कुछ उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करें तो एक आदमी ने आवाज़ उठाई और इसके बारे में कहानी है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस एंड वी आर एक्साइटेड हाँ छोड़ा नहीं एक्चुअली आयुष्मान की फिल्म है सो वी आर वेरी एक्साइटेड वी रियली वॉन्ट टू सपोर्ट हिम ही इज़ डूइंग इनक्रेडिबल उनकी सारी मूवीज़ स्टोरी बेस्ड होती हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वो देते हैं एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड सो वी आर हियर टू सपोर्ट हिम एंड एवरी टॉपिक ही चूजेज इज़ वेरी इंस्पायरिंग सो वी आर हियर इन द कैपेसिटी ऑफ हिज फैंस एंड हिज फ्रेंड्स सो आई नो दिस फिल्म विल बी इनक्रेडिबल जस्ट लाइक अंधाधुन अंधाधुन आई फील has been a benchmark for me in all the films that I have seen in last 10 years so I hope this really goes above Anubhav thank you
है तो लिफ्ट पे रुका देगा। Thank you.